हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं टेक्निकल चीकू। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने ये दो टायरों का रिव्यू, एक है MRF का और एक है कॉन्टिनेंटल का। ठीक है, एक है हमारा ट्यूबलेस और एक है हमारा ट्यूब वाला। और ये मार्केट रेट से बहुत 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 ही कम सस्ते के अंदर मैं लेकर आया हूँ, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है बट, लेकिन हाँ, मार्केट से देखा जाए ब्रांड के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही रेट पर है। और एक कॉन्टिनेंटल का है तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का टायर है ये। देखिए ये मेट्रोपॉलिटन, इसका ये मॉडल नंबर है, मॉडल नेम है कंपनी मेट्रो। ठीक है, बट ये मेट्रो रेल मेट्रो वाला नहीं है और ये कॉन्टिनेंटल का है। ये देखो कॉन्टिनेंटल लिखा हुआ है और टायर का देखो डिज़ाइन, ग्रिप देखिए किस तरीके की है, शेप देखिए। ठीक है, इस तरीके का ये टायर रहने वाला है। और ये मुझे पड़ा कितने का है अभी मैं आपको बताऊंगा विस्तार में, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं आपको ये MRF वाला दिखाता हूँ जिसके चर्चे दुनिया में है ऑलरेडी है। ठीक है, नाइलो ग्रिप प्लस, अच्छी अच्छी क्वालिटी का नाइलो ग्रिप प्लस होता है ये। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है और ये MRF कंपनी का है जिसके शेयर ही आज के टाइम पे 80-84 हज़ार रुपये से कम का नहीं है एक शेयर, जिसने ले लिया करोड़पति, और हमारा भी योगदान हो गया इसको आगे बढ़ाने में। ठीक है, और ये है मोदी मैक्स की ट्यूब। ठीक है, ये ट्यूब है क्योंकि एक जो आगे वाला टायर रहेगा मेरा वो ट्यूब वाला टायर रहेगा, तो ये उसका ट्यूब है। और ट्यूबलेस के लिए मुझे ये मिला है वॉल्व। ठीक है, ये आजकल का यूनिक थोड़ा अपडेट है, नेक्स्ट जनरेशन के वॉल्व है। पहले रबड़ वाला आता था, वो डाल दो और वो ख़राब होता था तो सीधा कट जाता था, बट अब टायर को खोलने के लिए हम इसको खोल सकते हैं और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको दिखाऊंगा क्या सीन है क्या नहीं है कैसे है, आगे दिखाते हैं। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये मैंने कहाँ से लिया और इतना सस्ता, कितना सस्ता भाई, कितना सस्ता ले लिया मैंने। तो दोस्तों, मैंने अपने मार्केट में, लोकल मार्केट में जाके MRF के टायर के बारे में पता करा था भाई कितने का मिलता है, तो मुझे ये 1850 रुपये का एक शॉप पे बता रहे थे, 1850 रुपये। तो मैंने सोचा चलो एक दो जगह और पता करना चाहिए क्योंकि हम इंडियन है, बार्गेनिंग करना और थोड़ा सा पता करना हमारा अधिकार है, जनसिद्ध अधिकार है। तो मैं इसको पता करने के लिए और दुकान पे गया, कहीं 1750 को भी मिल रहा था, कहीं 1700 का भी मिल रहा था, तो मुझे इस पर थोड़ा सा लग रहा था कि कहाँ सस्ता मिल सकता है। और मैं बताऊँ आपको, मैंने MRF का ना पता करके CAT के पता करे थे क्योंकि ज़्यादातर CAT ही मिल रहा था, ये MRF थोड़ा महंगा होता है इसलिए नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो मैं अपनी लोकल मार्केट में पता करा, CAT का ही मुझे 1650 रुपये का मिल रहा था। फिर मैं उसके शोरूम के इधर गया तो वहाँ पे भी 1700 से कम नहीं दे रहा था कोई। फिर मैं लोकल मार्केट में अपने इधर गया, MRF का पता करा, उन्होंने 1850 रुपये का बताया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बड़ा कन्फ्यूज़न सा था कि मैं क्या खरीदूँ और कहाँ से लूँ जहाँ से मुझे ये किफ़ायती पड़े। तो फिर मुझे मेरे भाई ने आइडिया दिया कि अगर तुझे टायर लेना है तो ये होलसेल मार्केट है इसकी पुरानी दिल्ली में, तो वहाँ से जाके हम ले सकते हैं। तो बट मुझे रात हो गई थी काफ़ी, वरना मैं इसको कल ही इंस्टॉल करवा लेता, अपनी बाइक पे लगवा लेता। तो हम रात के अंदर ही चले गए, मैंने भाई को बोला यार मुझे टायर मिला नहीं, मुझे मिले नहीं, मेरी बाइक के लिए चाहिए और मुझे कल काम है थोड़ा सा, तो मुझे ज़रूरत है बाइक में टायर डलवाने हैं। तो हम दोनों चले गए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, मार्केट है होलसेल की टायरों की, वहाँ मैंने इसका रेट पता करा और ये है आपका MRF वाला नाइलो ग्रिप प्लस। यकीन नहीं मानेंगे, ये मुझे 1450 रुपये रेट बताया वहाँ पे, 1450 रुपये बहुत सही वाजिद रेट था और बहुत अच्छा मुझे लगा वहाँ पे, क्योंकि मेरे सेविंग हो रही थी और आज के टाइम पर भी पैसे बच जाए तो किसको बुरे लगते हैं। तो मुझे तो 50 का तेल भी नहीं लगा वहाँ जाने में, है ना, पेट्रोल भी नहीं लगा इतने का, तो मुझे इतना सस्ता मिल गया तो क्या दिक्कत थी, मैंने ले लिया। चलिए, ये तो मुझे मिला 1450 रुपये का, इसमें मुझे कितने बच गए, 400 रुपये मेरे बच गए। ठीक है, अब आई इसकी बारी। तो उसी टायर वाले ने मुझे बताया कि भैया आपको अगर टायर लेना है ना तो आप पीछे वाला तो ट्यूबलेस ले लो और आगे वाला ट्यूब वाला ही ले लो, क्योंकि आगे ज़्यादा पंचर होते नहीं। अब मैं मानता हूँ कुछ लोगों को ये बात समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी, तो बट मैंने यूज़ देखा है, मेरा टायर आगे वाला काफ़ी तरीके से घिस चुका है बट, लेकिन वो पंचर नहीं होता इतनी जल्दी क्योंकि लोड सारा पीछे रहता है, आगे कम लोड होता है। ठीक है, लेकिन जिसको कराना है वो ले सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने बताया मुझे, तो मैंने बोला कौन सा ठीक रहेगा, तो CAT वगैरह बताया, MRF ने बोला, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, वैसे आपको वो लेना है, ज़्यादा खर्चा करना है तो कर सकते हो,
बट लेकिन आपकी जिस तरीके की बाइक है, मेरी प्लैटिना है, तो हल्की बाइक है, ज़्यादा लोड वाली नहीं है, मैं ज़्यादा रफ चलाता भी नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कॉन्टिनेंटल का ले लो, ये आपको 950 रुपये का टायर पड़ेगा, ठीक है, और ये है ट्यूब वाला, तो आपको सस्ता पड़ेगा और ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, और कंपनी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं, आप गूगल पे यूट्यूब पे देख सकते हैं इसके बारे में, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर भी मैंने वहाँ जाके बार्गेनिंग करी और बताऊँगा मैं आपको कितने की पड़ी। अच्छा ये है ट्यूब, ट्यूब आपको नॉर्मल से नॉर्मल ट्यूब कितने की पड़ती है? मोदी नेक्स्ट की है, ये भी कोई अच्छी कंपनी है, ऐसी बात नहीं है, कंपनियाँ जब ये ऐसी रेयर चीज़ें बनाती हैं ना, क्योंकि ये है थोड़ा लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें हैं, ये एक बार लेके ख़त्म नहीं होती है, ISI वाली है, बिल्कुल स्टैंडर्ड मार्क लगा हुआ है इस पर, ठीक है, 100% ओरिजिनल ये कंपनी है, जो अब कोई भी कंपनी बनाती है माल तो अच्छा ही बनाती है। तो ये ट्यूब अगर मैं यहाँ से कहीं से भी लूँगा, आजकल पेट्रोल पंप से या फिर कहीं भी पंचर हो जाए, 200-250 रुपये से कम की कोई ट्यूब देता नहीं है, ये मुझे फ्री में ही मिल गई है एक तरीके से। ये वॉल्व की कीमत होती है, ये आजकल का थोड़ा अच्छा वाला है, पहले जो चलता था रबड़ का आता था, वो रबर लगी होती थी वो रिम के अंदर लगा के, और एक बार लग गया तो फिर वो काट के ही हटाया जाता था, और ये वाला ऐसा है, इसका मार्शल होता है, इसको खोल सकते हैं, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, और इसकी कीमत भी कम से कम 100 रुपये से कम नहीं होती है। तो ठीक है, ये 100 रुपये हो गया, ये 250 रुपये हो गया, मतलब टोटल 350 ये हो गया, 1450 रुपये का मेरे को ये पड़ गया, तो ये कितने का पड़ गया मुझे, 1450 और एक ये हो गया मेरा 950। फिर मैंने बार्गेनिंग करी, तो बार्गेनिंग करने पे उन्होंने पैसे कम करे, फिर मैंने बोला कि अंकल जी थोड़ा कम करो, सही लगाओ रेट को, तो क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ से 2 टायर और लगवाए थे स्कूटी के अंदर, तो उन्होंने थोड़ा, और वो होलसेलर भी थे, उनको ज़्यादा इतना ज़्यादा सोचते नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई एक काम करते हैं, 900 रुपये के अंदर मैं आपको टायर ट्यूब दे दूँगा, हैं, और ये 1450 रुपये में मैं आपको वॉल्व भी दे दूँगा। मैंने भाई बहुत ही अच्छी बात है, बट हम थोड़ा इंडियन है, हमने थोड़ा सा बातचीत करी, थोड़ा हमारा व्यवहार अच्छा लगा उनको, उनका व्यवहार हमें भी अच्छा लगा, तो थोड़ी बात भी हुई, तो उन्होंने लास्ट हमको जो लगाया 2250 रुपये में डन करके आ गए हम दोनों चीज़ें, और वो मान गए, यकीन मानते हो 2250 रुपये में 2 टायर, कहाँ तो मुझे 1850 का एक ही टायर मिल रहा था, अब ये मेरे को 2250 रुपये में 2 टायर पड़ गए हैं, अब ये लगा लो आपको कितने का लगता है, मुझे तो बहुत सही रेट में पड़ गया, और ये मेरे को ट्यूब फ्री में मिल गई, जब ये 950 रुपये का था तो 900 रुपये एक ट्यूब फ्री मिल गई, एक वॉल्व था। उन्होंने बोला, हमने बोला अंकल कुछ और तो मतलब इसके लगाने के तो पैसे देने पड़ेंगे फिर, तो कुछ इसका वॉल्व तो दे ही दो अंकल जी, तो उन्होंने वॉल्व भी दे ही दिया। अरे यार तुम बहुत ही बार्गेनिंग कर रहे हो, चलो खैर कोई बात नहीं ले जाओ, उनको पड़ता खा रहा था तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने उसमें भी कमा लिया। देखो अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि रिटेलर जो होते हैं वो लूटते हैं, नहीं लूटते नहीं हैं, क्या है कि वहाँ से एक जगह से होलसेल की जगह से या मेन मार्केट से माल ले जाके छोटी जगह छोटे कस्बों में गलियों में खोलना दुकान, वहाँ पे रोज़ रोज़ तो बिकती नहीं है ये चीज़ें, एक दिन तो है नहीं कि घिस गया और ख़त्म, ये एक बार लगा दिया 3-4 साल चलता ही है, 3-2.5 साल तो चलता ही है मैक्सिमम, है ना, 3 साल तो मैक्सिमम चलता ही है अब ये भी, और वारंटी भी ठीक ठाक है, 3-3.5 साल की वारंटी है कटने की, और ये जो इसमें जो वायरिंग होती है वो निकलने की, जो वायर होती है इसके अंदर वो वायर अगर निकल जाएगी तो आपका टायर फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है, और क्या नाम है, इसमें फूलने की गारंटी होती है, किसी भी टायर में फूलने की गारंटी होती है, तार निकलने की गारंटी होती है, यही गारंटी होती है। इस तरह से मैंने अपने पैसे काफ़ी सेव कर लिए, भाई मेरे को 1450 रुपये का ये दे रहा था, कहाँ 1850 का मिल रहा था, कहाँ मैंने 2250 रुपये में दोनों टायर खरीद लिए, यार मतलब बिलीव करो, कैन यू बिलीव इट, मुझे तो लग नहीं रहा था इतना सस्ता मेरे को पड़ जाएगा, बहुत सही रेट में पड़ गया भाई, मैं बहुत खुश हूँ, और अपनी बाइक में लगाऊंगा, और इन दोनों को लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा मुझे चलाने में अब वो लगता है, अब तो अभी जो चलाता हूँ वो टायर काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, उनकी कंडीशन बेकार है, तो स्किट करते हैं वो काफ़ी, अब स्किट करते हैं तो डर है ना, बाइक रोड पर चलाओगे फिसलेगी, फिसलेगी तो स्लिप होकर कहीं गिर गए तो फिर तो लेने के देने हैं, इसलिए मैंने ले लिया है, तो यही मेरे को आपको दिखाना था, और ठीक है कोई भी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के मैं आपको दे देता हूँ, जो कि काम की चीज़ लगती है मुझे, जो पब्लिक के लिए सही है, पता होना चाहिए। तो अभी मैं इनको जाऊँगा लगवाने के लिए, कितने का लगता है देखो यार, मुझे खुद कितना सही लग रहा है यार, कि मतलब 2250 रुपये में टायर ट्यूब और वॉल भी मिल गया है, और ये MRF का टायर कहाँ CEAT का देख रहा था,
सीएट भी अच्छा है, बेस्ट है, ऐसी बात नहीं है, वो भी अपने फील्ड में बेस्ट है, बट लेकिन जब मुझे उतने पैसे से भी कम में मेरे को जब एमआरएफ मिल रहा है तो मैं एमआरएफ पे जाऊंगा ना यार, सीएट पे भी क्यों जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बना दी इन टायरों के ऊपर ही, काला काला देख के आप भी करोगे। अच्छा दोस्तों, कई लोगों को ना ये लगता है कि ये वीडियो ख़त्म होते होते मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहते हैं ना ये ग्रीन ग्रीन कलर का क्या है, ये लाट का माल तो नहीं है। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर की लाइनिंग कर रखी है ये मार्कर से कर रखी है, और ये हर कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट को तैयार करती है उसमें चेक का निशान लगाने के लिए। देखो इसमें बार कोड भी है, बार कोड भी दे रखा है कंपनी ने, है ना, और इसके अंदर भी देखो मार्किंग दे रखी है, ये मार्किंग रेड कलर की एंड ब्लू कलर की, तो इसका मतलब ये होता है रेड एंड ब्लू कि एक साइड से रेड कलर से कर दिया और दूसरी साइड से ब्लू कलर से, तो चेक है कि ये क्वालिटी चेक हो चुका है। और ये स्टैंप होती है बी प्लस बी ई कर दी है ई पी सॉरी और ये बी कर दिया है इसमें, तो ये होता है। बाकी आप देख सकते हैं आपके लोकल मार्केट में अगर ये मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप सीएट का भी ले सकते हैं, टीवीएस का ले सकते हैं, और एमआरएफ का तो आप ले ही सकते हैं आँख बंद करके। ठीक है, मैंने उनसे एक चीज़ और पूछी कि भैया क्या ये लाट का माल होता है क्या जो बाहर बेचते हैं, तो उन्होंने बताया लाट का माल नहीं होता है, होता ओरिजिनल ही है, और लाट का माल कंपनी ले जाती वापस हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि ये सस्ती चीज़ें नहीं होती है भाई। दुकान अपनी अपनी मार्केट को कोई भी ख़राब नहीं करना चाहता, तो कोई भी ख़राब माल जल्दी से देता नहीं है, तो रेट आप हमेशा दो तीन जगह में पता करिए, चाहे आप टायर ले रहे हैं, चाहे आप कपड़े ले रहे हैं, चाहे आप मोबाइल ले रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम खरीद रहे हैं, और या फिर आप मकान भी ले रहे हैं, हर चीज़ में बार्गेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इंडिया है भाई, और इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो आप पता करिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू दोस्तों और सपोर्ट करने के लिए, इतनी वीडियो देखने के लिए, और मैं इतनी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, थोड़ी थोड़ी बनाता हूँ, बट लेकिन टॉपिक होते हैं सारे काम के जो मुझे लगते हैं कि मैं बना देने चाहिए, तो थैंक यू दोस्तों, ख़त्म करते हैं।